दिल की बीमारियां इन दिनों तेजी से बढ़ रही हैं, खासकर यंग लोगों में जिस तरह से हार्ट अटैक की वजह से मौत हो रही है वो काफी ज्यादा डराने वाली है। ऐसे में हार्ट अटैक को लेकर अवेयर रहना बेहद जरूरी है। हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। देखिए, कई सारे लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि क्या हाई बीपी का भी हार्ट अटैक से कुछ लेना देना है। हेल्थ एक्सपर्ट से लेकर डॉक्टर्स का ये मानना है कि बीपी को कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो इससे हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ता है। एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से 80 के बीच होना चाहिए। अगर बीपी इससे ऊपर जाता है तो 140 और 90 तो हाई बीपी माना जाता है। जब ऐसे सिचुएशन बनती है तो हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ सकता है। अब इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, जरा वो भी समझ लेते हैं। दरअसल दिल ब्लड को पंप करने का काम करता है। ऐसी सिचुएशन में बीपी होता है। जब बीपी बढ़ता है तो हार्ट अटैक का डर भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दौरान दिल का काम करना भी और ज्यादा बढ़ जाता है। सीने में दर्द, सांस लेने में जोखिम बढ़ने लगता है, यहाँ तक कि कभी कभी जो धमनियाँ हैं वो भी फट सकती हैं, यानी कि जो हमारी हार्ट की वेसल्स हैं उसके फटने का भी डर बना रहता है। बीपी दिल की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हमेशा अपने बीपी को कंट्रोल में रखें, नहीं तो आप गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपने बीपी को कंट्रोल रखें, जिसके लिए आपको सबसे पहले पूरी नींद लेनी है ताकि आपको हाई बीपी ना हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। स्ट्रेस कम लें ताकि आपका बीपी कंट्रोल में रहे। साथ ही बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए आप नमक को भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो फास्ट फूड है, अचार है या जिसमें सोडियम पाया जाता है उसको थोड़ा सा आप खाने से परहेज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी, और वैसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार।